माल्यवंत महोत्सव शुभारंभ मालकानगिरी जगन्नाथ मंदिर आरंभ। आज मालकानगिरी जिले में जिलास्तरीय माल्यवंत महोत्सव शुभारंभ स्थानीय जगन्नाथ मंदिर गत किछि दिन धरी एहि महोत्सव पालन करने सब प्रकार व्यवस्था आरंभ होता। आज तार प्रस्तुति सरी एवं जिलास्तरीय कार्यक्रम आज आरंभ होगा। श्री जगन्नाथ मंदिर कलश यात्रा आरंभ हो स्टेडियम पर्यंत जाइला। आज संध्या विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आरंभ हो जिला सहित राज्यर विभिन्न जिला एवं अन्यान्य राज्यर मध्य जनता तथा माल्यवंत प्रेमी माल्यवंत महोत्सव देखा आसवे। तेणु एवर्ष भिड़ को आखि आखिरे रखी एवं सुरक्षा दृष्टि मालकानगिरी स्टेडियम माल्यवंत महोत्सव आयोजन विभिन्न प्रदेश नाना प्रकार सामग्री बिक्री करने स्टॉल व्यवस्था रही। मन रखु एवर्ष माल्यवंत महोत्सव मालकानगिरी स्टेडियम एवर्ष केमिति कौन माल्यवंत महोत्सव आम चैनल सहित जोड़ी होती मालकानगिरी जिला सब कलेक्टर श्री अक्षय कुमार खेमुंडी, पूर्व तहसीलदार श्री सुशांत कुमार मिश्र, जिला परिषद चेयरमैन श्रीमती समारी तांगुल एवं वरिष्ठ संवाददाक श्री भास्कर चंद्र बेहरा कौन कही एवर्ष माल्यवंत महोत्सव विषय शुणी दिखु। मालकानगिरी जिले जिला स्तरीय माल्यवंत उत्सव आज मालकानगिरी नगरी स्थित जगन्नाथ मंदिर जो आरंभ हो तो आज आप देखिपारे ये जो जो प्रकार जो जुटी जो माल्यवंत महोत्सव 2023 रो जुटी तैयारी ये जगन्नाथ मंदिर आप देखिपारे देखिपारे जगन्नाथ मंदिर यही मंदिर आज जो माल्यवंत महोत्सव पखापाखी 20 वर्ष सारी माल्यवंत उत्सव ए वर्ष केमी कौन हम आम आसतु आम पचार बजा आम सहित अच्छा सब कलेक्टर आज्ञा सर ए वर्ष केमी कौन सर माल्यवंत उत्सव पालन करमी सर आज जगन्नाथ मंदिर कौन आरंभ कर देखो आज एवं शुभारंभ हम कलश यात्रा सहित तो जगन्नाथ मंदिर जो मेन स्टेडियम कम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से जगह को आम जीवु एथिरे आमर जो प्रशासन टे हम से नहीं कि विभिन्न प्रांत रु भी आम बहुत भल सब ग्रुप सब विभिन्न स्टूडेंट्स आमर एटि पार्टिसिपेट करेंगे विभिन्न वॉलंटियर्स अच्छा तो यूजुअली प्रशासन बहुत मात्रा रे बड़ धरण हुए एवं संध्या रे आमर नहीं रंगारंग कार्यक्रम सहित आम प्रकृत नहीं कि माल्यवंत आज 15, 16, 17 प्रत्येक इवनिंग नहीं कि हम एथिरे राज्य भितर आम राज्य बाहर एवं मालकानगिरी रो सब विभिन्न प्रतिभा सब टैलेंट सब विभिन्न कल्चरल ट्रुप्स एथिरे पार्टिसिपेट करिवे समस्त आपण मान माध्यम रे अनुरोध करूची समस्ते आसंतु माल्यवंत को उपभोग करंतु परिवार सहित आसंतु एतर बहुत भल आम आकर्षणीय सब ट्रुप्स सब आसुचंती आमर लोकल भी सब आमर जो ऐक्य परंपरा तथा आमर निजर कल्चर को नहीं कि सब आम तार जो प्रतिभा सब अच्छी जीवंत करने को चाहू तेणु मुझे कि से गीत को आउ थे आपम दहरे भी आसतु भिड़ी मिसिक पालन करवा माल्यवंत जो मैंने माल्यवंत देखा आसान को कौन बार्ता देवा चाहिए आज आज जो शुभारंभ दिन देखो मुझे कह मालकानगिरी इतिहास यार ऐतिह यार परंपरा यार पर्यटन अत्यंत सुंदर तो आमे माल्यवंत होमें से मध्यम गोटे प्लाटफर्म जो थे कि माल्यवंत सब जिन रिफ्लेक्ट करने को चाहू तेणु आसतु ये हूँ गोटे एमालगेमेशन ऑफ कल्चर हूँ ये आप छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सब आम बोर्डर स्टेट अच्छा समस्ते नहीं आसती उपभोग करती तेणु आपण मान मध्यम पुणी थर अनुरोध माल्यवंत आसतु एवं यार भरपूर मजा नि सहित जोड़ी अच्छा एक्स तहसीलदार श्री शशांक कुमार मिश्र आज्ञा तो आम पचार बुझा सर माल्यवंत उत्सव सब वर्ष डीएनके फील्ड रे पालन करा जाउथिला मात्र ए वर्ष जो खेल पड़िया जो स्टेडियम रे काहे कि करा जाउ देखंतु आपण माने जानिथिबे गत वर्ष माल्यवंत महोत्सव आमर डीएनके पड़िया रे होइथिला एवं लोकंकर समागम एते हेइथिला जे सेठारे कंट्रोल करबा बहुत कष्ट होइथिला तनो लोकंकर सुविधा पई भल भाव जेपर लोक मैंने माल्यवंत को एंजय करेंगे सब स्टल गुड़िक भल भाव बुलिक देखिए से लोक सुविधापी ये स्टेडियम ग्राउंड बर्तमान कर माल्यवंत शुभारंभ हूँ मालकानगिरी जिला मालकानगिरी नगर जगन्नाथ मंदिर तो कौन कह जो माल्यवंत ए वर्ष केमी देखा मिले कौ प्रकार आता देवे जो माल्यवंत प्रेमी मान को आज आमर श्री जगन्नाथ जगन्नाथ स्थान रु आरंभ हम कलशी जात नहीं
ଝୁଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ ସେଠି ମା ମାନେ ଏସଏଚଜି ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ବା ଆମର କଲେଜ ଛୁଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷର ମାଲ୍ୟବନ୍ଧନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧୁମଧାମ ହବ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆକାର ହବ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବାହାର ଦେଶ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡାକ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରଶାସନ ବା ଆମର ଯେତିକି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମହଲଟା ଗୁଡା ନୂଆ ଆକାର ହବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଆଶା ରଖୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷରୁ ମାଲକାନଗିରି ଡିଏନକେ ଫିଲ୍ଡରେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ମାତ୍ର ଏଇ ବର୍ଷ ଫିଲ୍ଡରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କାହିଁକି ଆଉ ଯୋଉ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଆପଣ ତରଫ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଯେତେ ଆମର ଆଗରେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ହଉଥିଲା ସେଠି ବହୁତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ଫେର ପୁଣି ଜାଗା ହଉନଥିଲା ଏଥର କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଜାଗା ଫେର ପୁଣି ଜାଗାଟା ଅଧିକ ଅଧିକା ଅସରିଆ ଥାଉ ଆଉ ଲୋକ ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତାଙ୍କର ବଜେଇ ରଖିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସେମିତି ଆମେ ଚାହିଁକି ଆଉ ଭଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେ ରଖିଲୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଇଏ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯୋଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୋମାରୀ ତାଙ୍ଗଲୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଲକାନଗିରି ନବନିର୍ମାଣ ନିର୍ମାଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କରାଯାଇଅଛି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଉ ଭିଡ ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ।